वो सबके सब ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की क्लास होने वाली हो और योगी आदित्यनाथ जी वहां जाने वाले हो और उनको बताना है कि वो कितनी केंद्रीय योजनाओं को जानते हैं, तो वो सबके बारे में बारी बारी से बता रहे हैं। लेकिन देखिए, शौचालय योजना है तो उत्तर प्रदेश की के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाने के लिए एक जिनको जिम्मा दिया जाता है वो था कि 1,000 रुपया दिया जाएगा एक शौचालय बनाने पर। वो 1,000 का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इस शौचालय योजना से बोलने से किसको फायदा होगा कि नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में खास करके बताने की जरूरत नहीं है। और वास्तविक रूप में वो सारे के सारे शौचालय अब नदारद हैं, लोग बाहर में शौच करते देखे जा सकते हैं जैसे पहले देखा जाता था। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आया है लेकिन स्थिति बदली नहीं है, सूरत बदली नहीं है। उसके बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जबकि सदन में तो इसी बात की चर्चा होनी थी। लोग चिल्ला रहे थे, विपक्ष बोल रहा था कि भाई लद्दाख में क्या हुआ, अरुणाचल में कैसे घुसे हुए हैं चाइनीज, तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं और हमारे जवान जहां शहीद हुए जिस जगह पर उस जगह हम आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। वो उसके बाद वार्ता बढ़ी ही नहीं चाइना के साथ, तो इन मुद्दों पर भी बात कर लें। क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आप देखिए डिलिमिटेशन के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कब की गई थी, जब वो समझिए कि देश में वो कोरोना का पैकेज 20 लाख करोड़ का की घोषणा हुई थी, वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आया 20 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो हर जिले में एक उत्पाद बनाने की योजना थी, वो उस योजना की चर्चा भी नहीं हो रही है। राष्ट्रीय स्तर की योजना की चर्चा हो रही है, यहाँ बनारस में बनारसी साड़ी का क्या होगा, इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की चर्चा थी, आज भुला बैठे हैं, कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ का चूड़ी उद्योग क्या हो गया, यहाँ के लोकल जितने उद्योग हैं वो कभी बात उसकी चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही थी, इसी मकसद से एयरपोर्ट्स खोले जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन वो सारी चीजें अब विमर्श से गायब हैं क्योंकि इन्होंने इतने एयरपोर्ट्स बेच दिए कि वो अब एयरपोर्ट्स की चर्चा करना भी उनको उल्टा पड़ने लगा है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो भाषण दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जो सुनना चाहती है उससे बिल्कुल अलग भाषण दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चर्चा है, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का ही नेतृत्व नहीं हिंदुस्तान का नेतृत्व इससे तय होगा, ये विपक्ष के नजरिए से भी और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से भी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी 2024 में नेतृत्व देश का कौन करेगा ये तो संघ तय करेगा, लेकिन संघ ने भी मंथन चल रहा है कि अगला नेतृत्व कौन करेगा। तो यूपी का जो चुनाव परिणाम है वो बहुत कुछ बताएगा। विपक्ष जानता है अगर उसने मात दे दी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही लीड कर रहे हैं। अगर इसमें मात दे दिया जाता है तो बंगाल के बाद ये उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर यहां मात दे देते हैं तो लोकसभा सीटों से लेकर के नैरेटिव सेट करने से लेकर राजनीति बदलने की जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसके बाद बिल्कुल उलट जाएगी राजनीति और बीजेपी के विरोध में एक जो खेमेबंदी आज कमजोर पड़ रही है वो मजबूत हो जाएगी, वो राजनीति मजबूत हो जाएगी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो अब योगी आदित्यनाथ एक तरह से बैकअप प्लान पर चल रहे हैं, क्या बैकअप प्लान पर कौन चल रहा है, कोई आप अंदरूनी सियासत पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ को जीतते नहीं देखने वाले फोर्स हैं। फिर योगी आदित्यनाथ चुनाव के बाद अगर वो हार जाते हैं तब क्या करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, जीत जाते हैं तब क्या करेंगे इसके लिए आरएसएस के भीतर उनकी लॉबी लगी हुई है, ये सारी राजनीति चल रही। यानी चुनाव में जो घमासान दिख रहा है उससे ज्यादा घमासान जो कि प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उससे ज्यादा घमासान भाजपा के भीतर है, और वो हर तरह से है। हम इसको जितना भी चाहे विस्तार से टुकड़ों में अलग अलग करके बात कर सकते हैं इस विषय पर, ये वास्तव में चल रहा है।
तो ये जो भटकाव दिख रहा है ना, मुद्दों से भटकाव, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो उनके भाषण में कुछ अलग बातें होती हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जब बोल रहे हैं तो उनके भाषण में कुछ अलग बातें होती हैं, और दोनों परस्पर अलग अलग किस्म से एक राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री होकर के, और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आकर के धार्मिक मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को कोई नहीं छू रहा है। यहीं पर बीजेपी हारती हुई दिख रही है। हम अभी नहीं जानते कि वोटर क्या फैसला करेंगे, लेकिन वोटर के कंसर्न को अगर आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं, तो इसका मतलब नतीजा पहले से स्पष्ट है। एक विश्लेषक के तौर पर हम इसे इस रूप में देख सकते हैं। ये राजीव जी बहुत महत्व